गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, चलिए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बच्चों, स्टार्ट कर दें नाम से। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है बच्चों दो शब्द से मिलके बना है, ट्राइंगल, ट्राइगोन। ट्राइगोन का मतलब होता है बच्चा पार्टी ट्राइंगल, ठीक, ओके। और मीट्री बाद में आया, पहले इसका वर्ड था मीट्री मतलब मेजरमेंट, और मीट्री को बोलते हैं मेट्रॉन, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। मेजरमेंट, सो व्हाट डस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री मींस, ओके, इट इज़ द मेथड टू मेजर द ट्राइंगल, ओके। व्हाट इज दिस, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ ए ट्राइंगल, मीन्स ट्राइंगल मेजरमेंट, ओके। सो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि हम किसी ट्राइंगल को कैसे मेज़र करते हैं। ट्राइंगल को मेज़र करने का मतलब क्या होता है, एक ट्राइंगल को मेज़र करने से आप क्या समझते हैं कि भाई मैं ट्राइंगल मेज़र करने जा रहा हूँ, घर से निकला हूँ ट्राइंगल मेज़र करने के लिए, तो ट्राइंगल मेज़रमेंट करने से क्या समझते हैं। देखो बेसिकली ट्राइंगल में होता क्या है, ये ट्राइंगल जो आपको बहुत मामूली दिखता है, ये आपकी ज़िंदगी हिला देने के लिए बहुत काफ़ी है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं 11th और 12th के बाद, तो बहुत ज़्यादा बहुत ख़तरनाक। तो ये ट्राइंगल ABC है बच्चों, इसमें देखिए इसमें तीन एंगल हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C, इक्वल नहीं कहूँगा मैं, इक्वल नहीं लगा सकता मैं, हाँ यहाँ पे तीन एंगल है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, जिनको हम नेमली लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंगल A, इसको लिखते हैं एंगल B और इसको लिखते हैं एंगल C। और इन एंगल के सामने तीन साइड्स हैं, एंगल A के सामने की साइड्स है BC, तो ये हो गई एंगल A के सामने की साइड BC, जिसको हम लोग शो करते हैं बड़ी क्लासेस में स्मॉल A से, मतलब एंगल A के सामने की साइड स्मॉल A। एंगल B के सामने की साइड है AC, जिसे हम शो करते हैं स्मॉल B से, सो दिस इज स्मॉल B। और एंगल AC, सॉरी एंगल C के सामने की साइड है AB, जिसे हम शो करते हैं स्मॉल C से, सो दिस इज स्मॉल C। जब आप कहते हैं कि मैंने इस ट्राइंगल को मेज़र कर लिया है, या जब आप कहते हैं कि मुझे इस ट्राइंगल के बारे में पूरी जानकारी है, इसका मतलब कि आपको इस ट्राइंगल की तीन साइड्स पता हैं और इस ट्राइंगल के तीन एंगल पता हैं। तो किसी ट्राइंगल के बारे में तीन साइड्स या तीन एंगल का पता होना ही कहलाता है कि आपको उस ट्राइंगल का मेज़रमेंट कर लिया है। सो इट मीन्स इफ़ यू अवेयर अबाउट दीज थ्री साइड्स और दीज थ्री एंगल्स, देन यू कैन से दैट आई हैव मेजर्ड दिस ट्राइंगल। तो तीन साइड पता हूँ और तीन एंगल पता हूँ, तो इस ट्राइंगल की पूरी जन्म कुंडली आपको पता है। अब हमारे सिलेबस में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्राइंगल हमें पढ़ना है, दैट इज़ कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमारे सिलेबस में हमें केवल राइट एंगल ट्राइंगल वाली ही ट्रिग्नोमेट्री चलानी है। सो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ए ट्राइंगल विद वन एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। सो वी हैव अ ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल वी हैव ए बी सी, ये ट्राइंगल है ए बी सी, यहाँ पर एंगल बी 90 डिग्री है। अगर एंगल बी 90 डिग्री है, सो देखिए इस एंगल को आप लिखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चों, 180 डिग्री। और एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू है 90 एंड प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, सो आई कैन राइट हियर एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90, मतलब एंगल ए और एंगल सी का सम कितना मिल रहा है हमको, 90 माइनस होने के बाद 90, तो मतलब ये जो दोनों एंगल हैं ये कहलाएंगे, क्योंकि इनका सम 90 डिग्री है, तो इनको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स, क्योंकि आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी क्लास 8th में कि ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर इस एंगल को आप जो है एक्स मान लें और इस एंगल को वाई मान लें, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 90। तो अगर एक एंगल एक्स है तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस वाई, अगर वाई की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, 90 माइनस एक्स। मतलब सिंपल सी बात है, अगर एक होगा 30 तो दूसरा होगा 60
ऊपर वाला अगर 30 है तो नीचे वाला 60 होगा, मतलब दोनों का सम मिला करके कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि ये दोनों एंगल यहाँ पे क्या होते हैं, ये एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? यस सर, ये यस दोनों सर, एंगल यस जो सर। हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अब देखिए आगे की बात करते हैं। अब हम बता रहे हैं आपसे एंगल ऑफ कंसीडरेशन, एक नया टर्म है एंगल ऑफ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन एंगल ऑफ कंसीडरेशन मतलब वो एंगल जिसकी आप बात करते हो, उसे जनरली आप लोग थीटा लेते हो। आइए देखते हैं, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल ए, दिस इज बी, इस इज सी। अगर एंगल ए आपका कंसीडरेशन एंगल है, मतलब आप जिस क्वेश्चन में एंगल ए की बात कर रहे हो, तो उस एंगल ए को जनरली थीटा मान लिया जाता है। एंगल के लिए जो फिजिक्स की सबसे बड़ी यूनियन है SI, उसने एंगल को बोला है कि मेरे देश के लोगों, तुम लोग एंगल को वर्ल्ड के लोगों थीटा से शो करना, तब से एंगल को हम लोग थीटा मानने लग गए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर एक एंगल तो थीटा है, तो दूसरे वाले को किससे शो करेंगे, एक से ज़्यादा है तो शो करेंगे। तो इनके लिए उन लोगों ने कुछ ग्रीक लेटर का सेट दिया। तो एंगल को शो करने के लिए एक लेटर है थीटा, एक लेटर है फाई, है ना, थीटा फाई, एक लेटर है साई, एक लेटर है जाई, है ना, एक लेटर है काई, ऐसे बहुत सारे हैं। बट हमारे सिलेबस में हमारा सामना केवल दो ही एंगल से होना है, एक थीटा से और एक फाई से, बस। तो ये दो आपको मिलेंगे। तो अब नॉर्मली अगर मैं बोलूँगा ये थीटा है, तो ये कितना होगा भाई? तो इंटेलिजेंट बच्चों के जैसे बोलोगे सर ये होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा से कम है ये। ये थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा? ये थीटा, बिकॉज दोनों का सम 90 डिग्री है, तो ये थीटा है तो ये आपको देगा 90 माइनस थीटा। चलो ठीक बात है। तो मैं एक बात किसकी कर रहा था, मैं बात कर रहा था एंगल ऑफ कंसीडरेशन की। तो बच्चों ये अपना एंगल ऑफ कंसीडरेशन है जो भी आपको दिखाई दे रहा है ए पर, एंगल ऑफ कंसीडरेशन। चलो तो बड़े लेवल पे बात करें अगर एंगल ऑफ कंसीडरेशन की, अगर मैं बड़े लेवल पे एंगल ऑफ कंसीडरेशन की बात करूं, ये सपोज आपके पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये तो 90 डिग्री है। अब आप समझिए बहुत इंपॉर्टेंट, बट एंगल के सामने वाली साइड, सामने के मतलब क्या है, टॉर्च मारो यहाँ से और जहाँ पर आपकी टॉर्च पड़े, किसी एंगल के सामने वाली साइड जो होती है उस एंगल के लिए किसका काम करती है, परपेंडिकुलर का। तो थीटा के लिए दो साइड दिख रही है यहाँ पे, तीन साइड, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड, एक दिख रही है BC, एक दिख रही है। तो फॉर थीटा, अगर मेरा एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड BC, AB और AC, तीन चीज़ें मैंने लिखी हैं बेटा, BC। तो इस थीटा के लिए BC सामने वाली साइड क्या बनेगी, परपेंडिकुलर। सो ऑलवेज जो सामने वाली साइड होती है ना वो परपेंडिकुलर बनती है, तो थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर बनेगी। बच्चों AB मतलब चिपकी हुई साइड, एंगल से चिपकी हुई साइड। एंगल से चिपकी हुई साइड को मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट साइड, इसको बोलते हैं अपोजिट साइड, जिसका नाम पड़ गया परपेंडिकुलर। दूसरी जो चिपकी हुई साइड होती है जो एंगल से, दैट इज कॉल्ड बच्चों बेस, एडजेसेंट साइड, बेस। और एक होती है ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड, राइट एंगल ट्रायंगल की, वो अलग ही दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। ये हो गया। चलो तो पहला तो ये हो गया थीटा के लिए। चलो एक मैं दूसरा एंगल ले लेता हूँ फाई। ये एंगल मैंने ले लिया फाई, और मैंने यहाँ लिखा फॉर एंगल फाई। चलो फाई एंगल के लिए मुझे बताओ कि AB क्या कहलाएगा, BC क्या कहलाएगा और AC क्या कहलाएगा। AB क्या कहलाएगा, लाइट मारो सामने, तो AB बन जाएगा परपेंडिकुलर। BC क्या बन जाएगा जी, बेस बन जाएगा, बेस बन जाएगा या एडजेसेंट साइड। और AC तो कभी चेंज नहीं होता, मतलब हाइपोटेनस। तो जरा देखो एक चीज समझ में आ रही है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेने पे हाइपोटेनस में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले भी AC हाइपोटेनस था और AC पहले, अब बाद में भी हाइपोटेनस है। बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लोगे तो जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन गया, और जो बेस था वो क्या बन गया, परपेंडिकुलर। उल्टा हो गया, बस परपेंडिकुलर का बेस बन गया, बेस का परपेंडिकुलर हो गया। ये बात लास्ट में काम में आएगी, है ना। चलो तो अब देखते हैं, अब अगला टॉपिक हमारा जो मेन टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कि भैया ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो क्या क्या होते हैं, उनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आइए देखते हैं।
मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया मैंने, ए बी सी, ए बी सी, और मेरा एंगल ऑफ कंसीडरेशन थीटा है, एंगल ऑफ कंसीडरेशन थीटा है। अब इस एंगल ऑफ कंसीडरेशन थीटा के लिए मैंने रेशियो बनाए, किसके रेशियो बनाए, साइड्स के। तो मेरी साइड्स क्या क्या हैं, मेरे पास साइड्स है ए बी, बी सी और ए सी, तो तीन मेरे पास साइड्स हैं। अब इन तीन साइड्स के मैं रेशियो क्या क्या बना सकता हूँ, देखो मैं बना सकता हूँ, एक बना सकता हूँ ए बी अपॉन ए सी, एक मैं बना सकता हूँ बी सी अपॉन ए सी, है ना, मतलब ए बी का ए सी के साथ, फिर बी सी का ए सी के साथ। एक मैं क्या बना सकता हूँ, एक मैं बना सकता हूँ ए बी अपॉन बी सी, और क्या बनेंगे, देखो किसको किसको खेल दिया, ए बी को खेल दिया मैंने ए सी के साथ, बी सी को खेल दिया मैंने ए सी के साथ, और ए बी को खेल दिया मैंने इसके साथ, मतलब तीनों का हो गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको उल्टा कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, और ये हो जाएगा बच्चों क्या, बी सी अपॉन ए बी। बताइए क्या इसके अलावा मैं कोई और रेशियो बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता, बोलो बोलो बच्चों, क्या और कोई रेशियो बना सकता हूँ, नहीं बना सकता, ठीक है ना, नो सर नहीं बना सकता। तो देखिए इस एंगल के लिए, इस थीटा एंगल के लिए ए बी क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर है, बी सी क्या बन रहा है, बेस है, और ए सी क्या बन रहा है, हाइपोटेन्यूस है। यस, तो ए बी बन गया परपेंडिकुलर, बी सी बन गया बेस, और ए सी बन गया हाइपोटेनस। तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी परपेंडिकुलर और ए सी हाइपोटेनस। सो वॉट इज दिस, ये बना अपने पास एक्चुअली क्या, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। सो यू कैन राइट इट, दिस इज वॉट पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। चलो बच्चों बताओ, बी सी अपॉन ए सी किसका किसका रेशियो, बी सी फॉर बेस एंड ए सी फॉर हाइपोटेनस, ठीक है ना, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है। ये बताओ ए बी अपॉन बी सी किसका रेशियो है, ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, और बी सी क्या है, बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा ये पी अपॉन एच है, इसको तो मैंने जस्ट उल्टा कर दिया, एच अपॉन पी, बिल्कुल सही, एच बाई बी हो गया, इसको उल्टा कर दिया मैंने, ये हो गया एच बाई बी, और इसको उल्टा कर दिया, ये हो गया बी अपॉन पी। चलो अब यार बच्चों, इन रेशियो को कुछ नाम दिए गए हैं, इनके कुछ नाम दिए गए हैं, वो नाम हमें याद करने हैं। तो ये जो पहला रेशियो है, इनके कुछ नाम दिए गए हैं, ये नाम याद कर लो, इनके कुछ नाम याद कर लो। तो कैसे नाम याद करने की ट्रिक क्या है, देखो पंडित बद्री प्रसाद यस ओके। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले वाली ट्रिक लगती है इसमें। तो देखिए कैसे, जहां पर पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, वो बनेगा सोना मतलब साइन थीटा। हम क्या खेल रहे हैं, हम एंगल के रेशियो निकाल रहे हैं, एंगल के लिए बी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बच्चों ये बनेगा चांदी यानी कॉस, और पी अपॉन बी मतलब टोले यानी टेन। तो लिख लो, एस का मतलब क्या है, यहाँ पे एस का मतलब है साइन थीटा, सी का मतलब है कॉस थीटा, और टी का मतलब है टेन थीटा। यस, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये देखिए पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये इस थीटा के लिए क्या कहलाएगा, साइन कहलाएगा। तो ये बच्चों बन गया साइन थीटा। ये क्या है, बी अपॉन एच, देख लो, यदि भूल रहे हो ना तो यहाँ लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, ये देख लो ऐसे याद कर लो। तो पी अपॉन एच साइन थीटा बन गया, बी अपॉन एच क्या बन गया यार, कॉस थीटा बन गया, ये देखो कॉस हो गया, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बन गया, टेन थीटा। बस ये मेन हमारे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बच्चों, मेन तीन है। अब ये देखो क्या हो रहा है, सर ये तो आपने इसका उल्टा लिख दिया है, ये पी अपॉन एच है, ये एच अपॉन पी है। तो बच्चों याद रखो, साइन का उल्टे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम दिया गया है कोसेक, तो ये कहलाएगा बच्चों कोसेक थीटा, मतलब उसी थीटा का कोसेक। ये कहलाएगा बच्चों कॉस का उल्टा सेक थीटा,
और ये कहलाएगा टेन का उल्टा कॉट थीटा। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। यस हाँ सर। तो भैया पहले नोट इसको, आया सब ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से, एक बार कॉपी में बना लो, क्योंकि यही चीज नोट करनी है, ये बेसिक है एकदम, है ना। इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद अपन बनाते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूला। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा रेसिप्रोकल फॉर्मूला, और पाइथागोरस थ्योरम का बहुत बड़ा यूज है राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर दो साइड दी हो और तीसरी साइड ना दी हो तो केवल एक ही चीज हमारे पास। व्हाट इज रिटन फॉर, व्हाट इज रिटन फॉर बी अपॉन पी? बेटा बी अपॉन पी इज कॉल्ड कॉट थीटा, टेन का उल्टा है ना, दैट इज कॉल्ड कॉट थीटा। सर हाँ बेटा बोलो। सर इस चैप्टर की आज हम एनसीईआरटी करेंगे क्या? आरएस करवाऊंगा। ओके सर। एनसीईआरटी मैं पूरी आप लोगों से करवाता हूँ, क्लास में मैं आरएस करवाता हूँ, एनसीईआरटी पूरी आप लोगों को करने को देता हूँ, और जो डाउट होते हैं वो मैं बताता हूँ। सर मेरा डाउट था। डन सर। हाँ बेटा बोलो क्या डाउट है श्रेय। सर शिवम सर मेरा डाउट ये था कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनका नाम अपन ने जैसे फुल फॉर्म जो इनका कि टेंजेंट, हाँ टेंजेंट है, कोटेंजेंट है, साइन, तो सर ये सारी चीजें यूजुअली ज्योमेट्री में यूज करते हैं अपन, तो इनका नाम ऐसा क्यों दिया गया? देखो ये नाम जो बने थे हिंदी में पहले बने थे ये नाम, ठीक है, ये नाम पहले बने हैं हिंदी में, और हिंदी को कन्वर्ट, हाँ वही संस्कृत में नाम बने थे पहले, एग्जैक्टली संस्कृत में बने थे ये नाम, और किसने, भास्कराचार्य ने पहले, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की खोज इंडिया की तरफ से भास्कराचार्य ने की थी। फिर भाई ये बाद में, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है बाद में एथेंस जाती है, ग्रीस जाती है, और फिर भास्कराचार्य नहीं, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भाई एक मिनट कंफर्म कर देता हूँ मैं, रुक जाओ, भास्कराचार्य हैं कि आर्यभट्ट हैं, रुक जाओ थोड़ा सा दो मिनट देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो वो नाम जो है, अब सोच करके उन लोगों ने नाम दिए है ना, जैसे जैसे टेंजेंट का नाम जो टेन थीटा, उसे हिंदी संस्कृत में उसका नाम पड़ा था स्पर्श ज्या, स्पर्श ज्या, एक्चुअली ज्या का मतलब होता है रेशियो, तो वो नाम हिंदी में जो संस्कृत में पड़े थे वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट थे, उन्हीं से कन्वर्ट करके, संस्कृत से कन्वर्ट करके उनके उन्हें बनाया गया। ओके जरा देखते हैं। हाँ जी भास्कराचार्य ही है बेटा, देखो ये आर्यभट्ट नहीं है। ओके भास्कर द्वितीय जो भास्कराचार्य थे उन्होंने इस पर काम किया था बेटा, ये देखिए जो इन्होंने साइन थीटा लिखा था वो ये फॉर्मूला बनाया था। अब ये छोड़ो ये क्या था क्या था, क्योंकि इतना हम पढ़ भी लेंगे तो हमारे किसी काम का नहीं है, वो ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ वगैरह थोड़ा सा देख करके कि कितने एंगल से क्या करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा हाई लेवल में है ना, हाइट निकालने में होता है, सूर्य वगैरह की दूरी डिस्टेंसेस निकालने के लिए ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ओके और एस्ट्रोनॉमी वगैरह में यूज़ होता है, तो ये डिटेल थोड़ी सी बात है एक में। चलो तो टॉपिक पे वापस आते हैं, इनको जैसे हैं नाम वैसे आपको याद कर लो, अच्छी बात है। अब आते हैं आगे, हमने आपको टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता दिए कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ करते हैं। अब आपने देखा यहाँ पे कि साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, तीन मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेसिकली बताए। साइन थीटा मैंने बताया क्या होता है, पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, एंड टेन थीटा पी बाई बी, ये बताया। और इसका जस्ट उल्टा मैंने बताया क्या, कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, एंड क्वाड थीटा बी अपॉन पी, ये छह चीज़ें पता चल गई।
अब इन छह चीज़ों से एक और फॉर्मूला निकल करके आ रहा है, वो क्या है? अगर आप साइन थीटा का कोसेक थीटा में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? तो साइन थीटा किसके इक्वल है? पी अपॉन एच के इक्वल है, और कोसेक थीटा एच अपॉन पी के इक्वल है। आपको बिल्कुल एकदम ऐसे बताता हूँ कि हर बच्चे को समझ में आ जाए। तो कितना आ गया बच्चों, कैंसिल हो गया तो इधर आ गया कितना, वन। मतलब साइन थीटा वन टू कोसेक थीटा इक्वल्स टू कितना, वन। ये एक आइडेंटिटी बनी। अब इससे दो बड़े महत्वपूर्ण रिजल्ट निकल करके आएंगे कि अगर साइन थीटा को ऊपर रोक लो तो क्या आएगा नीचे, कोसेक थीटा वन के नीचे चला जाएगा। मतलब कोसेक का रेसिप्रोकल कौन होता है, साइन। और दूसरा फार्मूला, अगर कोसेक को ऊपर रोक लो भैया तो दूसरा फार्मूला बनेगा वन अपॉन साइन थीटा। मतलब साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक। तो मतलब आपको साइन दिया है तो बड़े कंफर्टेबली आप कोसेक निकाल सकते हो, और कोसेक दिया तो बड़े कंफर्टेबली आप साइन निकाल सकते हो। तो नोट करिए, पहला फार्मूला साइन इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू वन, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल फार्मूला। ठीक है सभी बच्चों, जिसको देखो, जिस बच्चे को क्लियर ना हो, नाम लेना पॉसिबल नहीं है, पूछना बिल्कुल खुल के पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया। अब इसी तरीके से मुझे बताओ दूसरा फार्मूला कौन कौन प्रेडिक्ट करके बताएगा? जैसे साइन इंटू कोसेक वन निकला है, ऐसे बताओ क्या वन होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सारे बच्चों ने लगभग सही कहा है कि सर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा इक्वल्स टू वन होगा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू वन बाई सेक थीटा, एंड दूसरा सेक थीटा को ऊपर रखोगे तो कॉस नीचे चला जाएगा, सेक थीटा इक्वल्स टू वन बाई कॉस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा इक्वल टू वन बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू वन बाई कॉस थीटा। कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टेस्ट है बच्चों, कल टेस्ट रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, खूब पढ़ के आइएगा, खतरनाक टेस्ट बनाया है। तो कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू वन बाई कॉस थीटा। तीसरा फॉर्मूला बता दो बच्चों, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। एग्जैक्टली, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू वन मीन्स टेन थीटा इक्वल्स टू वन बाई कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू वन बाई टेन थीटा। बस, तो ये रेसिप्रोकल फॉर्मूले हैं, ये बहुत काम में आएंगे, बहुत ज़्यादा काम में आएंगे, और इनसे आपका क्वेश्चन बहुत छोटा होगा और जल्दी भी आएगा। नोट कर लीजिए, ये रेसिप्रोकल फार्मूले हो गए। अब रेसिप्रोकल फार्मूले के अलावा दो और फार्मूले जो कह लो कि भाई ट्रिग्नोमेट्री की जान है, ये दोनों फार्मूले है ना, ट्रिग्नोमेट्री के राम लखन है ये दोनों फार्मूले, वो क्या हैं? तो पहला फार्मूला है भाई, देखो कैसे रिलेट करूँगा मैं। पहला फार्मूला है टेन थीटा, जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक ये होता है। अब इसी को उल्टा कर दो, अब इसी को उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब वन अपॉन टेन थीटा। तो लेफ्ट में भी पलटी मार दी तो राइट में भी पलटी मार दो, तो कॉस थीटा हो गया ऊपर और साइन थीटा हो गया नीचे, है ना। अभी लड्डू लड्डू टाइप पढ़ा रहा हूँ, बाद में देखना ऐसे उड़ेंगे बिल्कुल कि पकड़े नहीं आएंगे। तो वन अपॉन टेन का उल्टा क्या होता है, अभी सिखाया मैंने, टेन का रेसिप्रोकल क्या कहलाता, कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये दो फॉर्मूले नोट कर लीजिए, एक एक होता है भैया आपका टेन का साइन बाई कॉस, और दूसरा होता है कॉट का कॉस बाई साइन। कहोगे सर हम कैसे यकीन कर ले ये होता है, चलो देखो टेन क्या होता है, टेन होता है पंडित अपॉन बेस, पी अपॉन बी। साइन क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, और कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच। एच से एच क्या हो गया, कैंसिल। क्यों अनूप नहीं आया ना अभी क्लास में,
नितेश क्यों नितेश? नो सर, नहीं आया। ठीक है चलो, तो पी अपॉन बी हो गया टेन थीटा। पी अपॉन बी इक्वल्स टू पी अपॉन बी, तो ये देखो ये बिल्कुल सही है। अगर इसकी बात करोगे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है? बी अपॉन पी होता है बच्चों, बी अपॉन पी। चेक कर लो कॉस कितना होता है, बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल, ये भी आ गया बी अपॉन पी। मतलब हमारे जो दोनों रिजल्ट हैं बिल्कुल सही हैं। कहिए अब बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर सर। हाँ क्लियर सर। किसी बच्चे को और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछना है तो बता दो। यहाँ तक सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो चुके हैं, अब बारी आ रही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करने की। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना, जो हमारी पहली एक्सरसाइज है। हाँ बेटा बोलो। सर मैंने मेरे भैया के मतलब उन्होंने बताया था साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। बेटा देखो, हाँ मैं समझ गया बेटा, वो क्लास 11th में आएगा। ऐसे तो बेटा मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री इतनी बड़ी है कि मैं तुमको एक साल ट्रिग्नोमेट्री लगातार पढ़ा सकता हूँ और ख़त्म नहीं होगी। वन ईयर। और तुम खाली हो ना तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए, तो एक काम करना बस 10th क्लास के एग्ज़ाम हो जाए, तुमको 2 महीने की छुट्टी मिलेगी, उस समय मेरे को बताना, मैं तुम पूरे दिनों रात ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा, है ना। और वो JEE लेवल की ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म ही नहीं होगी, ख़त्म करे फिर भी मैं ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। तो वो जो आपके भाई साहब ने फार्मूला बताया ना, वो बिल्कुल सही फार्मूला बताया। वो फार्मूला उन्होंने ये बताया है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हाँ बेटा, बट ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के करीब 100 से लेके 150, 100 to 100 या उससे भी ज़्यादा फार्मूले हैं, अनलिमिटेड ही फार्मूले पढ़े, 100 से 150 करीब पढ़ाए जाते हैं, तो बहुत सारे हैं। बट अभी ये काम के नहीं है, अभी अपना जो काम का है वो देखेंगे। बट 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए पता? अब जो एक बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से आप क्या कर सकते हो। देखो बच्चों, जो 10th क्लास है ये ऐसी क्लास है, आप अपने जीवन का कोई भी एग्ज़ाम दोगे इसमें ये क्लास आनी है, हर एग्ज़ाम में आनी है। और इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री भी है, इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री भी है। तो अगर आपको मतलब इसमें यह है कि इसमें आप 10th लेवल के ही क्रिटिकल क्वेश्चन अच्छे अच्छे तैयार कर लो, क्रिटिकल क्वेश्चन 10th लेवल के ही मस्त मस्त वाले क्वेश्चन तैयार कर लो, तो पहले मैं RS कराऊंगा और मैं जो बच्चा मेरे साथ काम करता है मैं उसके लेवल में फिर उसको नापता हूँ। अगर मेरे को लगता है ना कि कोई मेरा स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसने मेरा काम करके दे दिया, तो उसे मैं खुद से अलग से स्टडी मटेरियल पर्सनल देता हूँ। क्योंकि अगर मैं भीड़ में दे भी देता हूँ ना तो क्या है, कुछ बच्चे वो तो डला रहेगा ग्रुप में, ख़राब हो जाएगा। तो जो बच्चा अलग से काम करता है मैं उसको पर्सनल स्टडी मटेरियल भी देता हूँ, बाद में मैं चेक भी करता हूँ। जैसे मैंने अभी 3 स्टडी मटेरियल मैंने कराए आपको, NCERT कराए, फिर मैंने आपको वो कराई RS कराई, देन इसके बाद मैंने पेपर कराया। अब चौथी मेरी तैयारी क्या है, जब एग्ज़ाम आएंगे तब मैं पूरी RD शर्मा लगवाऊंगा एज ए रिवीजन। ये तीनों हो गए ना, अब मैं नहीं कराऊंगा इनको, फिर मैं RD शर्मा लगवाऊंगा। और इसके बाद जो RD शर्मा भी कर रहे हैं कह रहे हैं नहीं सर हमें तो बस अगले साल ही बिल्कुल जॉब पकड़नी, आप तो हाई लेवल की और तैयारी करवाओ। भाई उनके लिए भी मेरे पास जुगाड़ है, एक एग्ज़ाम होता है SSC लेवल का, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे बहुत धांसु धांसु क्वेश्चन आते हैं, दिल को भा जाने वाले, तो वो क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। बट उसके लिए पहले आपको साबित करना पड़ेगा कि देखो सर जी ये मैंने पूरी लगा ली RS, आपने हमसे कहा और हमने पूरी लगाई। तो अगर आप काम पूरा करके दोगे, मुझे उनकी ज़्यादा परवाह है जो मेरा काम कर रहे हैं उनके हिसाब से मेरी क्लास चलेगी बच्चों, जो काम करके दे रहे हैं। जो काम करके नहीं दे रहे हैं उनको मेरी केवल शुभकामनाएं मेरी साथ में है कि जब आप काम करके लाएंगे, जब आप डाउट बताएंगे तो मैं बताऊंगा, वो मेरा कर्तव्य है। आप मेरा 1 तारीख को दिया गया क्वेश्चन 30 तारीख को करके लाओगे, 31 को करके लाओगे तुम, और 31 को पूछोगे ना तो मैं 31 को बताऊंगा। मगर इसमें फ़ायदे में कौन बच्चा रहेगा जो 1 तारीख का जवाब 2 तारीख को दे दे, उसकी तैयारी उस बच्चे से 31 ईयर आगे चल रही है, 31 दिन नहीं 31 ईयर। ये आपको पता चलेगा जैसे आप 12th पास होकर के निकलोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि सर के पढ़ाने का तरीका ऐसा क्यों था। ये चीज़ें बहुत मायने करती हैं और आज की कॉम्पिटिटिव समय बहुत ज़्यादा है, इसलिए पढ़ाई लिखाई थोड़ी हाई लेवल में करनी पड़ेगी। और आप लोग मेरा साथ दोगे तो मैं भी आपको भरपूर मैटर मसाला ज़बरदस्त देता रहूँगा, खूब काम करवाऊँगा, खूब काम लूँगा आपसे,
और आपके लिए खूब सारी शीट्स बनाऊंगा, है ना। मेरा काम क्या है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके आप तक पहुंचाना, बट मैं तब पहुंचाऊंगा जब मुझे आप रिस्पॉन्ड करोगे, काम करके दोगे। चलो भाई टॉपिक पे आते हैं। तो हम करा रहे थे आपको भाई सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए हैं, अब आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन होने वाले हैं शुरू, चलिए क्वेश्चन उठाते हैं, पहला क्वेश्चन ही उठा लेते हैं आरएस का और उससे कंसेप्ट बनाना शुरू करेंगे। तो जैसे भैया फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। कुछ बच्चों को आगे आ रहा होगा, मैं मानता हूँ एंगल की वैल्यू याद होगी, बट अभी वो ये समझ के चलें कि हम लोग बिल्कुल सीख रहे हैं, और जो बच्चों से नहीं बनता उनका साथ दें। तो क्या कह रहा है, साइन थीटा इक्वल टू रूट 3/2, तो बताओ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे। ओके, तो साइन थीटा इक्वल टू रूट 3/2 दिया। देखो अब ये बताओ मुझे बच्चों कि आप लोग का जो पेपर होने वाला है, पहला वाला जो टर्म है, वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है कि सब्जेक्टिव होने वाला है। ऑब्जेक्टिव, फुल टू ऑब्जेक्टिव है। हाँ सर, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप नियमों की धज्जियां उड़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल तोड़ दो नियम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये सब्जेक्टिव पेपर दे रहे होते तो मैं कहता बेटा ये साइन थीटा है, बोलते हाँ। बोले साइन थीटा क्या होता है, सर फॉर्मूला अभी नया नया है, थोड़ा लिख दो, याद आ जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये लो सर, हाँ सर याद आ गया। पहला वाला सोना होता है, सोना यानी साइन, साइन मतलब ऊपर वाली चीज़ सर परपेंडिकुलर, और नीचे वाली चीज़ सर हाइपोटेनस। तो बेटा ट्रायंगल बना लो, थीटा कहाँ बना लें सर, हमें तो नीचे वाला अच्छा लगता है, चलो भाई थीटा ये ले ली। सर परपेंडिकुलर जो होती है थीटा के सामने वाली साइड होती है। सर ये परपेंडिकुलर है मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, रूट 3। सर इसको रूट 3 ले लें। बेटा लॉजिकली रूट 3 लेना गलत है साइड को, ये रेशियो है, ये सिंपल फॉर्म में है। जैसे मैंने कहा कि आपके पापा की एज जो है वो है 32 ईयर और आपकी एज है 16 ईयर, तो आज इसका मतलब दोनों की एज का रेशियो क्या है, 2:1। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि पापा 2 साल के और बेटा 1 साल का, है ना। इसका मतलब क्या है, रेशियो है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे जो बच्चे ये सोचते हैं कि परपेंडिकुलर रूट 3 होगा, ले लो, कॉम्पिटिटिव में कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्पिटिटिव में कोई नहीं देखता है कि आप किस मेथड से आंसर लेके आए हो, इवन नकल से लेके आए हो फिर भी तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, तो ये रूट 3 हो गया, ये 2 हो गया, बट लॉजिकली ये सही नहीं है। अगर आप फॉर्मूले पे जाओगे इसके सही मेथड पे, तो बेटा इसको लिखना पड़ेगा, ये रूट 3 का k टाइम्स ले लो और ये 2 का k टाइम्स ले लो। ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आप लोग यूनिटरी मेथड करते थे कि द रेशियो ऑफ द एज ऑफ सन एंड फादर इज 2:5। तो आप लिखते थे लेट द एज ऑफ सन बी 2x एंड लेट द एज ऑफ फादर बी 5x। याद है बच्चों, 6th क्लास वाले क्वेश्चन। यस सर। तो ये रेशियो लेकर के करते थे, एक्चुअली सही तरीका वही है कि यहाँ पे रूट 3 के और ये मानना पड़ेगा, बट कॉम्पिटिटिव है तो कोई चिंता की बात नहीं है भैया, कॉम्पिटिटिव है अगर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिर तो। चलो अब क्या है हमारे सामने प्रॉब्लम, ये नहीं पता, एक्स नहीं पता, तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, जिंदाबाद भाई, राइट एंगल ट्राइंगल है तो किस बात की फिक्र। चलो भाई करो सॉल्व। तो एक्स का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर रूट 3 है, प्लस बेस का स्क्वायर भैया 2 है। एक्सक्यूज मी सर। बेटा बोलो। सर वो आपने गलती से हाइपोटेनस ले लिया, वो ऑलरेडी गिवन था अपन को, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बेटा, यस यस यस, गलती हो गई भैया, यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा मेरे को, दिस इज गिवन, पी अपॉन एच है तो ये 2 गिवन है, इसको एक्स ले लो। ओके चलो, तो स्ट्रक्चर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसको सही कर लो। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर 2 स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज 3 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 1, और रूट कहीं भी आता है वहाँ प्लस और माइनस तो आते हैं, मगर ये साइड है और साइड कभी नेगेटिव नहीं आती है, तो एक्स इक्वल टू आएगा तो प्लस और माइनस, मगर साइड हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हमको पूरी ट्रिग्नोमेट्री में पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव लेना ही नहीं है। समझ गए बच्चों,
बिकॉज साइड ऑफ अ ट्राइंगल कैन नेवर बी निगेटिव, सो एक्स इक्वल टू वन. बट सिखाया मैंने क्या बात कि भैया पॉजिटिव और माइनस दोनों आंसर आते हैं, रूट दो निकलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का धर्म है कि पावर होंगी दो तो रूट भी निकलेंगे दो. एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अगर देखा जाए तो सॉल्व करने के तरीके पे बात की जाए तो कहोगे भैया एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो. फिर क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर वन को लिख दोगे वन का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो. ओहो आइडेंटिटी लग गई, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो. तो एक बार एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो तो एक्स इक्वल टू माइनस वन आया एक रूट, और दूसरी बार एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो तो एक्स इक्वल टू प्लस वन आया. हाँ मतलब आंसर हम जानते हैं कि सबको पता है कि सर वन लोगे, बट जानकारी भी तो होनी चाहिए ना कि सर जी ये प्लस और माइनस का पंगा क्या है. तो दोनों आते हैं आंसर, बट हमको लेना है प्लस. क्यों? क्योंकि साइड हमेशा पॉजिटिव होती है ना. चलो अच्छी बात है. तो ये हो गया हमारे पास, अब ट्रायंगल आ चुका है, एक साइड है रूट थ्री, एक है वन, एक है टू. ठीक है अगले सीट में बना लेते हैं. ये है रूट थ्री, ये दिया है टू और ये दिया है वन. एंगल ऑफ कंसिडरेशन ये है थीटा. चलो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख दो. साइन थीटा एक काम करो, इसको ले लो परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस, ये है बेस. लिख दो सारे के सारे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इसके उल्टे कोसेक थीटा कॉट सेक थीटा और कॉट थीटा. चलो भर दो. बिल्कुल साइन थीटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. ओके पी अपॉन एच, पी बाई एच. पी क्या है लिख लो, पी बाई एच भी लिख लो भाई. पी क्या है रूट थ्री, एच क्या है टू, तो आंसर रूट थ्री बाई टू. ये तो गिवन था. कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी बाई एच. बेस क्या है वन है, हाइपोटेनस क्या है टू, तो वन बाई टू. टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, रूट थ्री अपॉन वन, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा कितना रूट थ्री बाई वन. अब तो देखने की ज़रूरत ही नहीं, इनको टांग पकड़ के ऊपर कर दो, इनको ऊपर नीचे हो जाएंगे. तो कॉसेक थीटा साइन का उल्टा पलट दो टू रूट थ्री बाई टू, इसको कर दो टू बाई रूट थ्री. सेक थीटा कुछ नहीं पलट दो टू बाई वन. कॉट थीटा पलट दो ऊपर वन और नीचे रूट थ्री. तो बच्चों ये है आपकी पहली एक्सरसाइज, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, आपको इसमें घुमा फिरा करके यही कार्यक्रम करना है. चलो जल्दी से छापो इसको फटाफट, फिर हम करते हैं अगली एक्सरसाइज. डन सर. डन हो गया. यस सर. डन. चलो भाई ठीक है, ठीक है भाई. अब आ जाओ सीधे सीधे भाई आरएस पे. और अब हमें सीधे ये सुनना है आप लोगों से, क्योंकि ये सब काम जो है आसान काम है. मुझे पूरे क्वेश्चन के आंसर, मुझे स्पीड से मतलब है, और हर क्वेश्चन डन. और जो बच्चा जो डाउट पूछेगा ना, मुझे समझ में आ जाता है कि वाकई ये डाउट के लायक क्वेश्चन था. जैसे एग्जांपल नंबर सिक्स में डाउट आना है, डाउट आ गया मतलब लॉजिकली डाउट है. बिल्कुल सही बात है. अगर डाउट करके सॉल्व भी कर लिया उस बच्चे ने, मतलब वो बच्चा क्रिएटिव है. तो जल्दी से स्टार्ट करो, ओपन करो. पासवर्ड है बेटा मेरा फ़ोन नंबर 9425184292. सभी को पार्ट वन आरएस दे दी गई है ग्रुप में. चलो ओपन करो और दौड़ाओ घोड़े बिना रुके. ओपन नहीं हो रही है. अरे ऐसा नहीं हो सकता भाई, ओपन क्यों नहीं हो रही बेटा? बिल्कुल हो रही होगी. क्यों, किसकी किसकी ओपन नहीं हो रही भाई? सर एक सेकंड के लिए लिख सकते हैं क्या वो पासवर्ड? हाँ लिखो. अरे मेरा फोन नंबर है जिसपे. हाँ लिख लो पासवर्ड, लिख लो 9425184292. सर एक बार आप स्लोली रिपीट करेंगे? हाँ ओपन. हाँ, हाँ लिखो 9425184292. ठीक है. चलो करो. दिखाओ दम, पहले पूरी करो अपनी ये ट्रिग्नोमेट्री खटाखट, बिल्कुल जल्दी से जल्दी पूरी करो. क्योंकि कॉम्पिटेटिव है तो मुझे आंसर से मतलब है, मुझे मेथड से मतलब नहीं है. पन्ने मत भरो, मुझे आंसर दो बस. आप जल्दी जल्दी आंसर लाते जाओ, मैच करते जाओ, और फिर एक शीट पूरी हो जाए, फिर मैं दूसरा कंसेप्ट पढ़ा के आपको दूसरी शीट दे दूँ.
सर वो क्वेश्चन टू पे कोई एड्रेस वेड्रेस आ रहा है? क्वेश्चन नंबर टू में एड्रेस आ रहा है? अरे क्वेश्चन नंबर टू को थोड़ा नीचे देखो बेटा, नीचे देखो ना हल्का सा। कॉस थीटा इक्वल टू 7/25, मिल गया? हाँ सर मिल गया, है ना। देन फाइंड द ऑल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बस स्पीड बढ़ाओ, क्या मैटर है, स्पीड बढ़ाना है। ओके देखिए बच्चों, सभी लोग क्वेश्चन डाउट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, हियर वी हैव गिवन कॉस थीटा इक्वल टू 0.6, दैट कैन बी रिटन एज 6/10। सो कैट कर दो इसको, 2 3 6, 2 5 10। सो ये आपके पास जो है थीटा एंगल, ये बन गया आपके पास कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस बन गया 3, हाइपोटेनस बन गया 5। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको एक्स ले लो, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर, बोलो? Yes, है ना। बस अब इसके बाद वैल्यू आपको रखनी है। आपको कह रहा है कि शो करो 5 sin theta - 3 tan theta इक्वल टू 0। सो व्हाट डू यू हैव LHS? LHS इक्वल टू 5 sin theta - 3 tan theta। 5 sin theta की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 5 × 4/5 -3। देखो परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनस ये है। -3 टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? साइन थीटा होता है पी बाई एच और टेन थीटा होता है पी बाई बी। क्लियर प्रगति? 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ऊपर बचा इधर भी 4, इधर भी बचा 4, आंसर इक्वल टू 0। डन डन, ठीक है, नोट कर लीजिए।